देखिए, आर्थराइटिस का मतलब हिंदी में या लेमेन टर्म में हम बोलें तो गठिया हो जाता है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गठिया सिर्फ एक लक्षण मात्र है बहुत सारी बीमारियों का। अगर आर्थराइटिस किसी को है तो उसको 200 से ज़्यादा प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अगर हम बात करें इसके लक्षणों की, तो आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों में सूजन आना, उनमें दर्द होना, सुबह जब वो सो के उठें तो जोड़ अकड़ जाते हैं और ये जकड़न 30 मिनट से ज़्यादा की हो सकती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी शरीर में जोड़ों के दर्द से प्रेजेंट कर सकती है। जो भी डाटा अवेलेबल है इंडिया में, उसके मुताबिक 80-90% भारतीय को विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है और उसकी बहुत सारी वजह बताई गई हैं, जैसे कि उनके कॉम्प्लेक्शन का डार्क होना, जो कि जो मेलानिन एक पिगमेंट होता है और त्वचा को कलर देता है, वो एक सन बैरियर का काम करता है। दूसरा, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इंडियंस को प्रीडिस्पोज करते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए। अगर किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्योंकि अगर डेफिशिएंसी नहीं है और ऐसे ही अगर कोई सप्लीमेंट लेना शुरू कर देता है तो हम कहते हैं विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो जाती है। महिलाओं में आर्थराइटिस का खतरा इसलिए ज़्यादा होता है कि कुछ तो उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो प्रीडिस्पोज करता है उनको आर्थराइटिस के लिए। दूसरा, जो उनका हार्मोनल मिल्यू है, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, वो प्रीडिस्पोज करते हैं गठिया के लिए। तीसरा, हम कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो ऑटोइम्यून डिजीजेस के लिए ज़्यादा प्रीडिस्पोज इसलिए भी होती हैं क्योंकि जो उनका इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा रोबस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर उसमें कोई एबरेशन आ जाती है तो उस एबरेशन की वजह से जो इम्यून सिस्टम है उनका अपने बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट ही एक्ट करना शुरू कर देता है और सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए ऑटो इम्यून आर्थराइटिस का खतरा महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है। एक तो बहुत ज़रूरी है कि जोड़ों में रिकरेंट ट्रॉमा ना हो, मतलब बार बार चोट लगना जोड़ों में एक बाद में वजह बन जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी शुरू होने की। इसके अलावा रिकरेंट इन्फेक्शंस को अवॉइड करना चाहिए, जो कि हम इम्यूनाइजेशन के द्वारा और अपने वातावरण को स्वच्छ रख के, स्वच्छ खाना खा के, स्वच्छ पानी का प्रयोग करके इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि रिकरेंट इन्फेक्शंस भी एक वजह माने गए हैं बाद में आर्थराइटिस होने के। जो एयर पोल्यूशन है वो भी एक मेजर रिस्क फैक्टर माना जा रहा है बहुत सारी बीमारियों का, पर्टिकुलरली ऑटो इम्यून डिजीजेस का, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, स्क्लेरोडर्मा, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। जितने भी ये सीरियस प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं वो यंग पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि 20s, 30s and 40s में, जो कि इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। हमारी जीवन शैली इतनी ख़राब हो चुकी है, हमारे काम करने का तरीका, खाने का जो दिनचर्या है, उसकी वजह से। अगर किसी को आर्थराइटिस है तो हम डाइट रिस्ट्रिक्शन एडवाइस नहीं करते, क्योंकि किसी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को खाने से आर्थराइटिस नहीं होती, लेकिन अगर किसी को गाउटी आर्थराइटिस है तो हम ज़रूर कहते हैं कि वो रेड मीट ना ले, अल्कोहल ना ले, सी फूड ना खाए। अगर किसी को कोई पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट लेने से जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है तो वो अवॉइड करे। विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो तो सनलाइट है, इसके अलावा जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो भी फोर्टिफाइड आते हैं, मतलब कि उनमें विटामिन डी बाहर से ऐड किया हुआ है। इसके अलावा फिश में विटामिन डी होता है, जैसे सालमन फिश या टूना फिश, मशरूम्स में थोड़ा बहुत विटामिन डी मिल जाता है। जहाँ तक एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी की बात है, वो सप्लीमेंट्री है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है विथ ड्रग्स, तो वो तो हम एडवाइज़ करते हैं कि पेशेंट जितना एक्टिव रहे उतना अच्छा है।